जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को गोदावरी जंक्शन में स्वागत है और हैप्पी होली इन एडवांस। और आज बनने जा रहा है गुजिया। चलो सुबह। और गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले काम मेरी बेटी करेगी। और आज की गुजिया की शुरुआत मेरी बेटी करने जा रही है, जिसमें तैयारी बहुत कुछ मैंने कर दी हूँ। और अब जा रहे हैं मसाला भूनने। पहले गुजिया का घी डालो, दो चम्मच। एक और अच्छे से झाड़ना बेटा। हो गया? हाथ ऐसे मार दो, बस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है। छलनी रखो और अब चलाओ इसको। चलाओ ऐसे काम करने में मन नहीं लगता बच्चों को, पर पसंदी का खाना बने तो काम भी खुश हो के करती है। और जो पसंदी का चीज़ है उसमें खुश है तो हम, मतलब जो नॉर्मल खाना है वो नहीं शुरू में सिखा रहे हैं, हम हार्ड जो टफ है वही काम सिखा रहे हैं, ताकि कुछ तो सीखे बच्चे खाना बनाने के लिए। कई लोग कहते हैं पढ़ लो लिख लो, खाना बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई पहले। पढ़ाई ज़रूरी है सच में, पर पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाना भी सीखना ज़रूरी है। और दसवीं कर जाए उसके बाद तो हर लड़की हो या लड़का हो, किसी को भी खाना बनाने के लिए सिखाना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि बेटियों को भले चांद पर भेजो, पर दो रोटी खुद बना के खाने के लिए सिखाना चाहिए, ताकि चांद पर भी जाओ तो अपने से खुद से रोटी बना के खा के आओ। और अगर मैं बीमार हूँ या घर में नहीं हूँ तो ये टेंशन तो नहीं रहेगी कि बच्चों को खाना बनाने नहीं आता है, तो कुछ भी कैसे भी करके जो समझ में आए वो बनाना चाहिए। और आज गुजिया बनाने में बच्चे हेल्प करेंगे, गुजिया में तो हमेशा हेल्प करते हैं, अकेले के बस की तो बात नहीं है। पूरियां बेलवाते हैं या तो फिलिंग करवाते हैं। आज मसाला बनाने के लिए सिखा रही हूँ। तो मेरा सूजी भुन चुका है, थोड़ा सा ही और ब्राउन करना है। कई लोगों के गुजिया में मैं देखी हूँ ना, बिल्कुल वाइट सूजी रहता है और बोलते हैं देखने में अच्छा लगता है, और देखने में जो अच्छा लगता है वो खाने में कच्चा फील होता है। तो ऐसा चीज़ देखने में अच्छा किस काम के जो खाने में स्वाद ना लगे, तो मैं तो गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनती हूँ। करीब करीब होने वाला है और सूजी बहुत रिक्ती है, एक सेकंड के लिए छोड़ेंगे तो नीचे से जलने लगता है। तो कंटिन्यू इसको, अगर कढ़ाई मोटा तल्ला वाला है तो एक गर्म ही बहुत देर तक रहती है। हाई फ्लेम पर मैं इसको कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ। और यहाँ पर एक सेकंड के लिए मैं चूल्हा कम की हूँ। फिर भी कढ़ाई गर्म है, नीचे तले में जो लग रहा है जहाँ से लाल होने लगता है। और इसी में मैं ये ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, बादाम और काजू। इसको भी हल्का भुनना है तो इस सूजी में साथ में भुन जाएगा। किशमिश नहीं डाल रही हूँ, किशमिश भूनने से फूल जाता है, अंगूर की तरह हो जाता है, वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं किशमिश नहीं डाली हूँ, सिर्फ काजू और बादाम डाली हूँ। ये देखिए
बिल्कुल गोल्डन कलर की हो गई है, तो इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। इसी में यहीं पर मैं दो दिन से खोआ सुखा रही थी, जो डेली रूटीन में दूध आता है, तो दो दिन से मैं उसको खोआ बना रही थी घर में, ये बाज़ार का नहीं है, तो इसको भी यहीं पर डाल लेते हैं। अभी कढ़ाई बंद नहीं किए हैं, सीम था उसको तेज कर लेती हूँ, और इसको मिलाना है। ये हलवा जैसे हो गया, पर हलवा जैसे नहीं होगा, ये जैसे जैसे ठंडा होगा सूजी ये सूख लेगी, क्योंकि मैं हल्का सा खोआ को गीला रखी थी, तो खोआ ना बहुत पानी सोखता है, और सूजी मिलाने की वजह से कई बार ना गुजिया भुरभुरी हो जाती है, तो खाते समय गिरता है, तो हल्का सा खोआ मैं रखती हूँ गीला, हल्का ही ज़्यादा नहीं, ताकि खो ये सूजी भुरभुरी ना हो, खाते समय मतलब गिरे ना हाथ मुँह से, इसलिए अरे चिपकने लग जा बेटा, खुला बंद करती हूँ। ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये खुलेगा फिर एक बार, और इधर उबल रहा है मेरा कलर, क्योंकि होली के लिए बन रहा है ना गुजिया, तो साथ में कलर भी जाएगा, तो कई लोग सोच रहे होंगे कलर क्यों उबल रहा है, तो ये एक्चुअली कलर नहीं है, ये है चुकंदर, जो सैलेड में खाते हैं वो वाली, तो मैं सैलेड ये दो दिन पहले मैं सैलेड के लिए लाई थी। सबको ही जानते हैं कि जो चुकंदर है वो बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें आयरन होती है, फाइबर, पता नहीं क्या क्या ब्लड बनता है इसको खाने से, लेकिन हम लोग को पता है कि चुकंदर खाना चाहिए, फ़ायदे की चीज़ है, पर बच्चों को नहीं पता है, पता होकर भी नहीं पता होता है, क्योंकि चुकंदर कोई नहीं खाना चाहता है, जो चीज़ स्वाद लगे बच्चे वही खाते हैं, जो स्वाद ना लगे वो नहीं खाते हैं, तो जो नहीं खाते हैं वो हैं बच्चे, और जो खिलाना जानती है वो है माँ। तो आज मैं जो गुजिया बनाऊंगी उसमें ये चुकंदर का पानी डालूंगी, ताकि बच्चे खुश होके खाए, मतलब फ़ायदा सेहत भी है और इंजॉय करके भी खाएंगे, तो माँ खिलाना जानती है, बच्चे नहीं खाना जानते हैं वो भी खाएंगे। और इधर मेरा ये हो गया, जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है वैसे वैसे ये इकट्ठा हो गया था, वो भुरभुरा हो रहा है, और इसी में मैं डाल रही हूँ ये पाउडर। पाउडर दो तरह के दिख रहा होगा, तो ये शुगर पाउडर है, गुजिया के लिए भूरा भी मिलता है, पर मैं भूरा नहीं यूज करती हूँ, जो घर में साफ़ सुथरी चीनी है उसे मिक्सी में पीस लेती हूँ, और ये एक नारियल है जिसको कद्दूकस करके मिक्सी में पीस के ले ली हूँ, क्योंकि ये भी कई बार ना कद्दूकस किया हुआ लच्छे लच्छे की तरह होता है, तो खाते समय काटते हैं ना तो ये लच्छा अलग निकल जाता है, खाने में इधर उधर बहुत बिखरता है चीज़ें, तो मैं पीस के ये डाल रही हूँ, और यहीं पर ये शुगर, शुगर मुझे ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा रख लेती हूँ, बाद में काम देगा। और ये किशमिश अब ऊपर से डालेंगे, मसाला हो गया रेडी, अब चलते हैं मैदा गूंदने। ये मैदा छान के ले रही हूँ, आजकल तो सूजी मैदा बिल्कुल साफ सुथरी आ रही है,
क्योंकि गर्मी होती है ना, गर्मी में कीड़े पड़ जाते हैं, पर सर्दी वाले कोई भी चीज़ में कीड़ा नहीं होता है अभी, फिर भी एक बार छानना ज़रूरी है। बिल्कुल साफ मैदा है, कुछ भी नहीं निकला। और इसमें इस बार थोड़ी सी सूजी ऐड कर रही हूँ मैं, जो मैदा गूंद रही, जैसे आधा किलो मैदा है उसमें 200 ग्राम के करीब सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी भी बिल्कुल बारीक वाली है और साफ सुथरी है। ये रहा देसी घी, इसे भी जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना ही डालूँगी। मोयन को देखना है कि कितना लगेगा। इसको एक बार हाथ से अच्छे से मैस लेती हूँ, पता चल जाता है मुझे कितना डालना है। मोयन को जब तक दोनों हाथ से अच्छे से नहीं मलेंगे ना, बढ़िया से मिक्स नहीं होता है, और वही आटा में फिर कई बार प्रॉब्लम आता है, तो इसको दोनों हाथ से इस तरह से मल लेंगे तो गूंदने में भी आसान होता है और चीज़ बनता भी अच्छा है। और मोयन कितना डालना है वो ऐसे देखना है, ये मुठियाँ बंद रही है इतना ही मोयन, अगर मुठियाँ नहीं, ये खुल गई नहीं, अच्छी से बंद रही, इसका मतलब मोयन कम है, तो थोड़ा सा हम और डालेंगे। पहले एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लें। एक दो चम्मच थोड़ा सा और डालूंगा। इसमें मोयन अच्छे तरह से लग गया, अब इसको दो भाग में बांटना है मुझे। और दो भाग क्यों बांटना है ये समझने के लिए आप लोग को वीडियो में बने हुए रहना पड़ेगा, तो मैं आधा पहले इधर निकाल लेती हूँ। माँ बेटी की बंटवारा हो रही है, आधा तेरी आधा मेरी, ठीक है ठीक है। ये तेरी ये मेरी, ठीक है। और इधर मेरा कलर उबल गया है, यानी कि बीट रूट जो मैं उबाली हूँ इसको कद्दूकस करके और उबाली हूँ। इसमें कद्दूकस किया हुआ चुकंदर इसी के अंदर है, तो चुकंदर नहीं डालना, सिर्फ इसका पानी डालना है। तो छन्नी से हम छान लेते हैं। उबालने का मकसद है, जो गुजिया का मैदा है मैं हमेशा गर्म पानी में गूंदती हूँ, तो मुझे गर्म चाहिए था इसलिए उबाली हूँ। और इतना गर्म है कि हाथ जल रहा है, तो मैं एक करछी की मदद से इसको गूंद रही हूँ। और जो चुकंदर है ना, अगर कच्चा लेंगे तो उसका कलर पिंक होता है, और उबालने से ये कलर बिल्कुल रेड रेड हुआ है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ब्लड है, खूनी लाल रंग का हुआ है। तो इस बार जो गुजिया बनाऊंगी वो कलरफुल बनाऊंगी, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि हमें चुकंदर नहीं खाना है, गुजिया सबकी पसंद है। इसमें जितना मुझे चाहिए पानी उतना ही डाल रही हूँ, एक बार डाल लूँगी तो गीला हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ।
ये मेरा होली कलर वाला मैदा गूंद चुका है और अब आती है जो आधा मैं बेटी को हिस्से में दी हूँ उसे गूंदने की। तो ये मैं गरम पानी में गूंदी हूँ, इसमें हवा नहीं लगना चाहिए, इसलिए एक पन्नी ली हूँ जो मैदे वाली है और इसके अंदर रख देती हूँ। हवा लगने के बाद सूखेगी, सूखना नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ रख देती हूँ और अब इसको बोलती हूँ। पानी वाला गूंद रही हूँ और पानी में गर्म ही हमेशा, ज़्यादातर तो मैं मैदा दूध में गूंदती हूँ पर आज खोआ सुखाने के चक्कर में याद भूल गई, दूध रखी नहीं, दूध नहीं है इसलिए मैं पानी में गूंद रही हूँ, नहीं तो गर्मा गर्म दूध में गूंदते हैं उसकी बिल्कुल अच्छी सॉफ्ट सी भुजिया, ये भी सॉफ्ट ही बनती है पर मेरे मन में ऐसे बहम है कि दूध वाली अच्छी बनती है, मैं ज़्यादातर दूध में ही गूंदती हूँ। क्या बनाया? नहीं है दूध इसलिए पानी में गूंद रही हूँ। दूसरे लिफाफे में चलते हैं गुजिया की मेकिंग करने। तो ये देख सकते हैं ये कई गांठ जैसे है ना, इसको इस तरह से मल के और फोड़ लेते हैं और जो चीनी वगैरह डाली हूँ वो सब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और अपनी सेटअप ये पूरी अब किचन से बाहर आ गई है बेडरूम में, किचन छोटा है और सब कोई मिल के बनाएंगे तो वहाँ जगह कम पड़ गई है, और जो मेरा बेडरूम है वो हॉल जितना बड़ा है, 3 कट्ठा का मेरा बेडरूम है, तो इसमें बेडरूम के अलावा भी मेरा जगह बहुत सारा बच जाता है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ, फिर इसको एक बार अच्छे से पहले मल लेते हैं। ये देखिए हिलाओ मत बाबू, हिलाओ मत है, चल ना दूर से ऐसे ही देखो, चल जा, चल उधर। बड़ा पेड़ा हो रहा है ये, इतना बड़ा उसमें से भी निकाल लाल वाला। गरम पानी गूंदने से ना गरम पानी वाला बिल्कुल नरम होती है और बहुत जल्दी बेली जाती है। एक बेलना में आधे थाल की पूड़ी बेल गई। गरम पानी में गूंदने का ये बहुत बड़ा फायदा है, मैदा ना हमेशा रबड़ की तरह होता है, जितना आगे बेलेंगे उतना ही पीछे
हो जाता है। और जल्दी होने के लिए मैं आज दो थाली ली हूँ, दोनों थाली पर बेलूँगी, एक इसको साइड करते हैं और दूसरा दे ये लाल वाली। कलर कम आया, कच्चा मैं उस दिन बनाई थी ना, पूरा गुलाबी गुलाबी हुआ था, लौंग लता में जो डाली थी। बिल्कुल पतला पूरी बेलना है इसको भर थाली के। और अब इसको निकाल के इसी पर रखना है। चाकू ले तो उठा, देखना किचन में ही होगा। और अब यहाँ से उठा के इसको धीरे धीरे रोल, इस रोल को हल्का सा और इसको अब एक एक इंच का टुकड़ा काटना है। ये हुई ना होली वाली कलरफुल, लो तुम बेलो। गोल बेलना, बस 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 दो।
आइसक्रीम खाता है। पापा धरना दे ले थी लाइन कहला वाला बेल के बने वाला खाते आदमी एगो ओने फेंक ओने फेंक एक बेलती ना मान गल कल के आइसक्रीम तय होल हाँ होली के दिन खाएंगे। तो देखिए दोस्तों मेरा गुजिया बन गया, तलने के लिए रेडी है, कलरफुल डिजाइनदार होली के लिए। और एक बात आप सबको बता दूं, मैं उबाल के चुकंदर ली थी ना, उसमें डिजाइन नहीं आ रहा था, आ रहा था पर कैमरे पर नहीं आया जो मुझे चाहिए। तो फिर मैं कच्चा चुकंदर ली और इसके साथ फिर दूसरा आटा गूंदी और उससे बनाई। ये देख सकते हैं कुछ सिंपल सादा भी है। ये उबले हुए चुकंदर की पानी का है जो लाल था, पर बनने के बाद वो डिजाइन नहीं आया जो मुझे चाहिए था। तो मैं फिर दूसरा गूंदी हूँ और इसमें देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर डिजाइनें आई है। तो हुआ ना बच्चों को खिलाने का आइडिया, इसमें कितना सुंदर आया ना बेटा, ये देखो। हाँ वाओ, इसमें भी खूब सुंदर है। तो चलो अब तलते हैं। और तलने के बाद बहुत रात हो गई है, तो आप